अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद। आज मैं आपके साथ पोर्ट बंद का इलाज शेयर करने जा रहा हूँ। ये देखें जी, ये एक है मेरा कबूतर और इस बेचारी का पोर्ट बंद हुआ है। और पोर्ट बंद क्या हुआ, बेचारी सीटी गुम हो गई है इसकी। पोर्ट बंद ऐसे हुआ है, मैंने देखा है इसको, किसने पोटा फुलाया हुआ है और जैसे मैंने हाथ में पकड़ा तो इसने पानी अंदर से बाहर निकालना शुरू कर दिया। और पानी जो है वो गर्म था, गर्म होने के साथ था तो पानी में स्मेल भी पैदा होगी। इसका मतलब इसका पोर्ट बंद हुए एक आधा दिन हो चुका था और मुझे पता चला आज। तो मैंने कहा इसका मैं इलाज करता हूँ। तो इसका इलाज बड़ा सिंपल सा, कोई इतना मुश्किल इलाज नहीं, आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। तो आज फर्स्ट डे है और आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। डे बाई डे इसकी प्रोग्रेस आपके साथ शेयर करूँगा हमेशा की तरह। जब ये ठीक हो जाएगी वो आपके साथ शेयर करके सारा कुछ इंशाल्लाह ताला आपके नॉलेज में इजाफा करूंगा। और कभी आपके कभी किसी कबूतर का इस तरीके का मसला हो कि उसने पोर्ट बंद किया हो, अंदर से गंदा स्मेल वाला पानी निकले, तो आपने उसका इलाज इस तरीके से कर लेना है। तो उसका सबसे पहला तो ये है कि इसको जी पलटाया मैंने, एक बार पलटाया, अंदर से जो दाना था जो पानी था वो निकल गया। फिर उसके बाद फिर पानी अंदर इसके डाल के फिर जो है इसको सिरिंज के साथ फिर पलटाया। पलटाने के बाद अंदर से जो गंद था वो सारा निकल गया और उसके बाद जो है इसके अंदर से कोई चीज़ नहीं रही। और उसके बाद अब इसको जो है मैं मेडिसिन दूंगा। और मेडिसिन देने के बाद अभी मेडिसिन आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ कि क्या देनी है। और मेडिसिन देने के बाद जो तरतीब है वो ये है कि 24 घंटे के लिए समाधि का दाना भी बंद, पानी भी बंद, ये एक अलहदा केज में रहेगी। और 24 घंटे के बाद फिर इसके साथ मैं जो ट्रीटमेंट आगे करूँगा फिर वो आपके साथ जो है वो मैं शेयर कर दूँगा। अभी इसको जो है मैं दवाई देता हूँ, फिर तो आपके साथ बाकी चीज़ें शेयर करता हूँ। ये दो चीज़ों का इस्तेमाल मैं पोर्ट बंद के लिए कर रहा हूँ। अगर एक दोनों में से एक भी कर ली जाए तो कबूतर ऐसे रिकवर हो जाता है, पर मेरे पास दोनों मौजूद हैं। और मेरा आपको भी यही मशवरा है कि आप दोनों इस्तेमाल करवाएं, जितना मर्जी कबूतर का पोटा बंद हो, अल्लाह की तरफ से उसकी ना आई भी हो, कबूतर चल जाता है, ठीक है। और ये सबसे पहले ये जो काली गोली मेरे हाथ में देख रहे हैं, यह मजून है, इसको हम ज्वारिश कहते हैं। और ये आपको पंसारी से बड़े इजीली मिल जाएगी, ज्वारिश के नाम से मिलेगी। ये आपने पंसारी से ले लेनी है, ठीक है, और इतनी ही देनी है, चने बराबर ही है, ये आपने दे देनी है अपने कबूतर को। और ये 10 सीसी वाली सुरिंज देख रहे हैं आप मेरे हाथ में दूसरी, ये 10 सीसी वाली सुरिंज है। और इसमें जो है मैंने अरके सौंफ जो है वो लिया हुआ है, 10 सीसी अरके सौंफ ले लिया, 10 सीसी अरके सौंफ जो है वो देना। मैं आपको अरके सौंफ की बोतल दिखा देता हूँ। ज्वारिश जो है इसके पास मेरे पास ना बोतल तो इसकी वो डब्बी सी होती है, वो पड़ी है, पर उसके ऊपर लिखा लुखा इस टाइम कुछ नहीं हुआ। बाकी ये अरके सौंफ है, इसको अरके बादियान कहते हैं, ये भी 10 सीसी आपने ले लेना है। तो ये दो चीज़ें आपको चाहिए, मैंने कहा आपको मतलब डिटेल के साथ बता दूँ। अभी उसको देता हूँ और दे के उसको 24 घंटे के लिए भूल जाना, मेरे पास है भी थी, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, 24 घंटे का नागा लाजमी है। अगली सुबह आपने जाकर उसको देखना है, फिर वो अगली तरतीब में आपके साथ चलें शेयर कर दूंगा। ये ले जी, मैं ले आया हूँ ये हाथ में, अभी इसकी सीटी गुम ही है। इसको आप इंशाल्लाह ताला कल या परसों देखिएगा, ये ऐसी आपको एक्टिव नजर आएगी। ये गई इसके अंदर गोली, ये इसने खा ली गोली। जितनी जल्दी इलाज करें कबूतर का उतना अच्छा होता है, उतना जल्दी रिकवर हो जाता है, जितना लेट करेंगे उतना ही हो जाए, लटक जाता है। और पोर्ट बंद तो बड़ी जानलेवा बीमारी है, अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो कबूतर की जान इसे चली जाती है। ये 10 सीसी ये गैस के अंदर, ये लें जी, ये हो गया आज का इसका ट्रीटमेंट मुकम्मल, दाना पानी इसका हो गया बंद 24 घंटे के लिए। ये बार बार मैं दाना पानी का इतना ज़्यादा जो ज़ोर दे रहा हूँ ना, ये इस बीमारी में सबसे बड़ी एहतियात, सबसे बड़ी चीज़ यही है, ये दाना पानी की परहेज। बाकी जो है ये ठीक होगी, फिर इंशाल्लाह इसका शौक भी करेंगे, आपको दिखाऊंगा अभी इंशाल्लाह। ये देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, कल जिसको जिसकी सीटी गुम थी ना इसकी, आज जो है माशाल्लाह से इसकी सीटी वापस आ गई है। और आज ये देखें थोड़ा सा केज में चलने फिरने भी लग गई है। कल आप देख रहे थे बिल्कुल गुम सुम होके एक जगह पे ना सुन होकर बैठ गई थी, तो आज माशाल्लाह से ये जो है बेहतर हो गया। और एग्जैक्ट 24 घंटे के बाद, कल इसके साथ जो किया था एग्जैक्ट 24 घंटे के बाद आप इसको जो है दोबारा 5 सीसी अरके सौंप जाएगा और इसको फिर 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। 2 घंटे के बाद इसके आगे सिंपल सादा पानी रखना है, वो पानी पी लेगी, वो पानी पी के शाम तक हजम करेगी। उसके बाद इसके आगे जो है फिर रोटी के भोरे या दाना जो भी देना चाहें आप या मैं जो भी दूंगा वो दे दूंगा। तो यह तरीकाकार होगा। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो है कि ये बेहतरी की तरफ चल पड़ी है, मतलब कि कल जो इसको मैंने चीज़ें दी थी
वो हज़म कर गई है, वो हज़म कर गया, तो इट्स मीन कि ये अब जो है आज इंशाल्लाह ताला अब मैं जो इसको पानी देना है ना आज, तो अगर वो भी साथ में चला जाती है तो फिर तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। बाकी आपके साथ मैं फिर इसकी डिटेल कल शेयर करूँगा। आज इसको सिर्फ 5 cc अर्के सौंप दोबारा दे के इसको छोड़ के 2 घंटे के बाद इसके आगे खुला पानी रखना है, डीक लगा के पानी पिएगी, पानी पीने की वजह वो हज़म कर जाएगी शाम तक, फिर इसके आगे खाने को कुछ रखेंगे। तो ये तरतीब होती है पोट बंद के लिए। कबूतर पानी से थोड़ी सी डिहाइड्रेशन मुकम्मल होगी, साथ में पोटा चलेगा, सादा पानी है ना वो पोटा चला देगा, ठीक है, तो वो उससे हमें पता चलेगा इसका पोटा चला है या नहीं। अगर डायरेक्ट इसको हम सॉलिड चीज़ दे देते हैं, सॉलिड खाएगी, फिर हमें मसला हो जाएगा, क्योंकि अभी ये पूरी रिकवर नहीं हुई, अभी ये कुछ हद तक बेहतर हुई है पर पूरी रिकवरी नहीं। जब इसको फिर हम सॉलिड चीज़ देंगे वो फिर हमें सुबह तक पता चल जाएगा इसकी बीटों से, इसके पोटे से कि हज़म कर गया कि नहीं, फिर हम आगे जो अपना डिसीजन लेंगे इसको फर्दर हमने ट्रीट करना है या इसको बस नॉर्मल हो गया छोड़ देना है, ठीक है। फिर आपके साथ मैं सारा कुछ शेयर करूँगा। तो अभी तक ये रिपोर्ट है आपके साथ, सेकेंड डे। अच्छा जी, ये देखें जी, माशाल्लाह से रिकवर कर गई है, इसने खाना पीना शुरू कर दिया है, दाना हज़म करना शुरू कर दिया है, बिल्कुल चौकस फिट फाट फिट फाइन हो गई है। तो अब इसका इलाज हो गया बंद, अब बस ये खाएगी पिएगी, जान बनाएगी, मौज मारेगी। अब आपको मैं इसका शौक करवाता हूँ, डिटेल और में देता हूँ। अच्छा ये देखें, अब ये नॉर्मल दाने पे आ गई है, जो मैं रूटीन में दाना इस्तेमाल कर रहा हूँ आजकल, उस दाने के ऊपर आ गई है। और माशाल्लाह से पहले दिन इसको मैंने बस रोटी के भोरे दे दिए थे, इसने वो थोड़े बहुत खाए, तो फिर अगले दिन सो है मैं इसको नॉर्मल रूटीन पे, जो कबूतर होता है उस रूटीन पे ला के इसको छोड़ दिया। माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छी ठीक तरीके से रिकवरी कर गई है, और हमारा काम है सिर्फ कोशिश करना, बाकी शिफा अल्लाह ताला की ज़ात ने देनी होती है। इंसान का काम है कोशिश करना, और वो हम करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे, और अभी भी कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, और वो आपके साथ शेयर भी करते रहेंगे। ये माशाल्लाह से मेरी बड़ी ब्रीड के लिए मैंने रोकी थी, बड़े जोड़े की जो है पट्टी थी, तो ये इसकी आँख है, ये देखें जनाब, ये आँख है, ये जोड़ों के लिए रोकी थी मैंने, क्योंकि ये मैं पहले उड़ा भी रहा हूँ तो उड़ते भी बहुत ही आउट क्लास इनका मेरे पास रिजल्ट आया। तो ये देखें, ये थोड़ा सा मैं प्योरिटी के अंदर जो है ना इनको ले गया था, वो आपको आँख से लग भी रहा होगा, आँख के रिंग शिंग देख रहे हैं माशाल्लाह से कैसे आवाज़ें आए हैं। अभी इसकी और बन जाएगी, अभी तो पट्टी है ना यंग 10वीं गली की, ये देखें ये कुंदा है इसका, बिल्कुल लाइट वेट से ये कबूतर होते हैं और स्लिम स्मार्ट कबूतर हैं, ये देखें स्ट्रेट कुंदा। और जो पहले तरतीब चल रही आखिर ये जरा मेरे से पकड़ने में पर टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, अब देखिए इसमें जान आ गई है, चौकस हो गई है, 10वीं पार अभी लेके आ रही है, बड़ी खूबसूरत बड़ी अच्छी माशाल्लाह से, एक दूसरी भी पड़ी हुई है इसके साथ की, दो हैं मेरे पास दरअसल, ये देखें ये देख रहे हैं क्वालिटियाँ क्वालिटियाँ, दुमे शुमे बंद हैं इनकी, एक दा पत्ता बीच में शायद थोड़ी सफेद लाई, ये 2 पत्ते लाई है, ये भी जब 2-3 साल गुजरेंगे ये पत्ते काले हो जाएंगे, ये वाक्य साथ साथ जो है काले हो जाते हैं, अगर खुद इनके हम हाथ से खींच के साफ करें तो वाइट आते हैं, अगर ये खुद से नेचुरल क्रीज करें तो फिर काले आते हैं। मैंने कहा आपको ये भी इन्फॉर्मेशन दूँ, ये बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। अब ये इनके पंजे और नाखून देख रहे हैं इनके आप, कितने ज़्यादा लेंथी हैं, ये देखें कितने ज़्यादा लेंथी नाखून है, ये देखें आगे से मुड़ गए हुए हैं, ये देख रहे हैं, ये बड़ी मेरे पास आउटस्टैंडिंग, जो बल्कि मैं आपको यार इनके बड़ों का शौक रहूँगा, अभी तो इसका बस इलाज किया ना तो आपके साथ शेयर किया। अभी सुबह का टाइम इसने देखें, ये बिल्कुल खाली कर गया, जो कल इसने खाया था वो सब हज़म कर गया, अभी बिल्कुल खाली है, अब इसको दोबारा दाना डलेगा, दोबारा खाएगी पिएगी मौज मारेगी, और आज इसके ऊपर नज़र ज़रूर आज भी रखनी है इंशाल्लाह ताला, रिकवर तो हो गई है पर फिर भी नज़र ज़रूर रखनी है कि जो आज खाया वो अगर कल हज़म कर गई है, फिर इसको मैं बैक टू नॉर्मल रूटीन ले आऊँगा और नॉर्मल कबूतरों में अपने छोड़ूंगा। अभी तक मैंने इसको अपने नॉर्मल कबूतरों में नहीं छोड़ा, अलग जो इनका एक हॉस्पिटल केज है उसमें छोड़ा हुआ है, ठीक है, ये चक्कर होता है। तो इस तरीके से आप भी कभी मसला हो तो यूँ इलाज करें, तो इंशाल्लाह ताला मुझे अल्लाह के घर से पूरी उम्मीद है कि आप भी कामयाब होंगे, आपके कबूतरों को भी शुभ मिलेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।